है बेला थाने में तैनात एसआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरह से ये लोग घूस लेते हैं, आज एक सब इंस्पेक्टर ने सब कुछ बता दिया। भारत समाचार से बात करते हुए सब इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें एसओ को पैसा देना होता है, एसओ को एएसपी को पैसा देना होता है, एएसपी को एसपी को पैसा देना होता है, एसपी को आगे तक पैसा पहुंचाना होता है और ये कड़ी इसी तरह से है। वो कह रहे हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या करें, उनके अधिकारियों को इसकी जरूरत है। थोड़ी हमेशा रख लेते हैं, हमको जो मिलता है सीईओ तक जाती है, पैसा सीईओ को देंगे तब उसमें दस्तखत करेंगे, कोर्ट जाएगी फिर रिपोर्ट, चार्जशीट हम कैसे कर देंगे दस हजार, हमको तुम एको पैसा मत दो, जहाँ जहाँ खर्चा लगे तुम मुआ में देते जाओ, हमको एको पैसा मत दो, हम भगवान का हमको दे देंगे, भगवान दाल रोटी पर तुम भाई मर जाओगे तो हम, तुम अगर जियोगे तो हम मर जाएंगे, हम कहाँ से देंगे, आप जिया हो हमारे नहीं तो कसम से बिल्कुल तो चलो पच्चीस कितना कहे थे 25 हाँ। चलो 20 का तो जाओ बाबू, चलो 5000 तुम्हारी हाथ में जोड़े फोन है ना बाबू जी, तुम्हारे 5 ये जाओ फिर यहाँ से जाओ, ना चलो आप जाइए काम करो, आप सरकार नहीं नहीं गंदा काम मत करो, चलो जितना कह दिया उतना कर दिया यार, इतना कौन कर देगा, हमारी गोट फंसे तो पैसे के बल पे निकलेगी, समझिए हमारी गोट फंसेगी तो पैसे के बदौलत निकलेगी, तुमको हम बचाएंगे, कोई अधिकारी हमको घेरेगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे, विभाग हमारा क्या करता है, तो हम कहां से बचेंगे, वही पैसा देंगे, सीधी बात है, सीधा कोनो बुझाएंगे कि हम जो चाहे सो करी दे, हमारे ऊपर बैठे हैं सब, आप बैठे नहीं कहा, यहां से लेके कोर्ट तक बैठी है, सीओ एडिशनल एसपी एसपी कोर्ट चार आदमी हमारे खोपड़ी पर सवार हैं, अब तुम सोचो कि हम तुमको कैसे बचाएंगे। राहुल हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल ये तो भ्रष्टाचार की पूरी खेप बता रहे हैं कि इनके ऊपर चार और लोग हैं जहां पैसा पहुंचाना होता है। जी राहुल जी, आपको बता दें कि ये जो दरोगा जी हैं ये विवेचना के नाम निकालने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, और अक्सर देखा जाता है कि हमेशा उच्चाधिकारियों के नाम पर ही पैसा मांगते हैं, क्योंकि उच्चाधिकारियों को डर दिखाकर जिस तरीके से उच्च स्तर पर वसूली की जाती है, ये वही तकरार है, जो उच्चाधिकारियों को नाम दिखाकर जो है बड़ी रकम वसूलने की प्रयास किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल तिवारी इस जानकारी के लिए, खबर का असर हो गया विवेचना।